बढ़ते क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू आप नीचे में पढ़ सकते हो, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। मनीष इज फेसिंग नॉर्थ एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। ही टर्न्स 270 डिग्रीज एंटी क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 15 किलोमीटर। नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 25 किलोमीटर। व्हिच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले नॉर्थ इज वेस्ट मार्क करना है। तो देखिए जेड बना दो, जेड बन गया, ये आ गया नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। अब यहाँ पे क्वेश्चन की शुरुआत की लाइन क्या बोल रही है? मनीष इज फेसिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ। तो अगर ये मैं मनीष का स्टार्टिंग लोकेशन दे रहा हूँ, उसका फेसिंग कहाँ पे है? नॉर्थ में। ठीक है, ये एरो इंडिकेट करे नॉर्थ को ही। तो यहाँ पे वो 10 किलोमीटर चला, तो ये 10 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ पे आके रुक गया। यहाँ पे 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से टर्न लिया, अभी भी फेसिंग उसका नॉर्थ में ही है। यहाँ से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, कितना हुआ? 180 डिग्री एंड देन 490 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया? 270 डिग्री। तो उसने नॉर्थ में जब फेस था 270 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न लिया और ट्रैवल किया कितना? 15 किलोमीटर। यहाँ पे आकर रुक गया। ओके, नेक्स्ट, नाउ ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री क्लॉकवाइज एंड वॉक्स 25 किलोमीटर। अभी उसका फेसिंग कहाँ पे है? ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में जब उसका फेसिंग है, उसने क्लॉकवाइज टर्न लिया कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। तो बताइए उसका फाइनल फेस कहाँ पे है और उसने यहाँ पे ट्रैवल कितने डिस्टेंस किया? 25 किलोमीटर। तो हमको पता करना है कि ये उसकी डायरेक्शन कौन सी है। अगर आपने ठीक से ध्यान दिया होगा तो ये और कुछ नहीं, ये अगर नॉर्थ हमने स्पेसिफाई जो ओरिजिन पे थी वही एंटर मेंटेन है, तो उसकी फाइनल डायरेक्शन कौन सी आ रही है? ये है ईस्ट और ये है साउथ। तो फाइनली उसके फाइनल डायरेक्शन कौन सी आ गई है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है।